सर क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज यू वर द पार्ट ऑफ पीसीबी एंड यू नो कि व्हेन स्पेशली इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान इट बिकम्स वेरी वेरी सेंसिटिव. सो डू यू थिंक कि अब जो होने वाला है पाकिस्तान इस सिचुएशन में है, लेकिन क्या लगता है क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? नहीं, आई वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ पीसीबी एडमिनिस्ट्रेटिवली. आई वॉज अ पार्ट विद पीसीबी ओनली बिकॉज मैं सिलेक्शन के जो मरहले थे उनको मैं देखता था. फिर भी यू मतलब यू नो. जी मैं नहीं, मैं आपको बताऊं कि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वेंचर फॉर पाकिस्तान. आफत साहब ने बड़े ही उमदा अल्फाज के साथ, बड़े जामे तरीके के साथ तमाम चीज़ों को आपके गोरे गुजारिश जो है वो किया है. तो प्राइमरीली स्पीकिंग कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम क्रिकेटिंग मैटर्स को इस तरह हम हैंडल करें कि दुनिया शायकीन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और बाहर से जो लोग आए वो पाकिस्तान को ये समझे कि इससे सेफ कंट्री, फ्रेंडली कंट्री, मेहमान नवाजी. एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है. हमारे जो स्टेडियम्स हैं ना उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह हमने बिल्ड करना है कि वो फ्रेंडली नज़र आए. अब देखें कि अगर आप गद्दाफी स्टेडियम में मैच देख रहे हो ना, तो जहाँ पर आप बैठे हैं और जहाँ पर एक्चुअली मैच हो रहा है वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि आपको वहाँ पर इवन के टीवी कैमरास जो है ना वो भी इजीली नहीं पिक कर सकते. अगर स्मॉग आ जाए, फॉग आ जाए, कोई लाइट्स का प्रॉब्लम आ जाए या टेक्निकलिटीज जी है, उसको अगर आप थोड़ा सा मुल्तान को देखें या पिंडी को देखें तो दे आर वेरी नियर टू दी एक्चुअल पिच. वो आप ऐसे लगता है कि जैसे शेखुपुरा की ग्राउंड ऐसी थी कि मैं वहाँ पर जाके मैंने कॉमेंट्री भी की है, तो वहाँ ऐसे लगता था कि आप बिल्कुल क्लोज टू द एक्शन है. तो आपको बड़े आराम से ना हर चीज का पता चल रहा था. एक तो टीवी कैमरा बहुत जल्दी पिक करता था, कर तो था. उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हाफिज साहब ने बिल्कुल बात ठीक की है कि ये हमारे लिए टेस्ट होगा कि हमारी मैनेजमेंट स्किल, हमारी ऑब्वियसली सिक्योरिटी मेजर्स तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो उनके लिए कोई इशू नहीं है, बट PCB will need to put their foot down और उनको जो भी venues इन्होंने final अभी कर लें तो उस पर काम शुरू कर दें ताकि लोगों को ना toilets में जाने की आसानी हो, लोगों को खाने पीने की आसानी हो. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो फिर हम वही दुखना रोएंगे कि लोग आ नहीं रहे जी, बाहर के लोग जो हैं वो तंग हो रहे हैं. तो हमें बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स देनी पड़ेंगी. दैट इज ट्रू. रिदा, डू वी हैव एनीथिंग एल्स? यस, अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो ICC से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे UAE में रख लें. तो इस पर क्या कहेंगे? मैडम जाने दें, क्यों UAE में क्यों रखना है? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने दें, UAE में वो तो बहुत आखिर की बात होगी ना. UAE में अभी तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रहना चाहिए कि हमने उसकी मेज़बानी करनी है. UAE में जाने का तो मतलब ये है कि आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो लाखों लोग हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग पाकिस्तान के हैं, लाखों शायकीन क्रिकेट हैं उसमें, करोड़ों शायकीन हैं, लाखों लोगों ने स्टेडियम में आकर देखना है, उनको किस चीज़ की सज़ा है? अभी जैसे असाम ये बता रहे थे कि अगर इंडियन हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सफर ना करें तो पाकिस्तान को किस चीज़ की उसमें सजा मिलनी चाहिए? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हक है. देखें 1996 के बाद, या मेरा ख्याल ICC का कोई इवेंट पाकिस्तान ने नहीं किया ना खान साहब, 96 के बाद. तो आप देखें कि 27 साल हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ये अहल नहीं है, इसकी हकदार नहीं है कि उनको ICC के इवेंट्स मिले? इस दौरान एक मरतबा 2008 में मेरा ख्याल एशिया कप हुआ है और उसके बाद ये तीन मैचेस पाकिस्तान में, ये चार जो अभी खेले गए थे उसके हाइब्रिड मॉडल के ऊपर. ये अब UAE वाली बात नहीं है, ये तो मतलब उस वक्त है ना कि जब सबकी सब टीमें कहें जी हमने खेलने के लिए आना ही नहीं है पाकिस्तान. आप खुद अपने आप को वीक क्यों समझ रहे हैं? देखिए, अब तो पाकिस्तान का मौका भी ये होना चाहिए ना. अब बुनियादी तौर पर ये ICC की जिम्मेदारी है. उस्मान ख्वाजा की तरफ तो मरतबा तो ICC को बड़ी होश आई है ना, तो ये ICC को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए कि भाईजान जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, ठीक है, दुनिया की तमाम टीमें, तमाम टीमें अगर पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आकर खेल रही हैं, सीरीज आकर खेल रही हैं, नेपाल आकर खेल गई है, विमेन टीम्स आकर खेल गई हैं यहाँ पर, और बच्चे आकर खेल गए अंडर 19 के, मतलब जो कोई किसी भी जगह पर अगर आप जाते हैं ना तो सबसे पहले आप ये देखते हैं बच्चों के हवाले से और खवातीन के हवाले से क्या वहाँ पर अमन अमान के इंतजामात हैं. बच्चों को, खवातीन को किसी भी तरीके से कोई ख़तरा तो नहीं होगा? जब बच्चों को कोई ख़तरा नहीं है अल्लाह की रहमत से, जब इंतजामात इतने हैं कि खवातीन यहाँ पर गैर
कंट्रोल किया आकर खेल रही हैं, तो आप अपने कैसे रोक सकते हैं बाकी सब मुल्कों को? प्लेयर्स को खुद एतराज नहीं है, तो यही अब आईसीसी को जो कि उनको होश के नाखून लेना पड़ेंगे कि आए और इसका सामना करें और उनको कहें कि आप जाएं, हमने उनको टूर्नामेंट दिया हुआ है और आपको वहां पर जाकर खेलना है, अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर आप उस साइड पर बैठें। अगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं आते हैं तो सबकी सब टीमें वहां पर ले जाएं, ये एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल दिया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी अपने मैचेस हाइब्रिड पर जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस वर्ल्ड कप के इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में खेले हैं। अब ये दलील नहीं है कि आप ना आएं, आपके पास कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहता कि आप ना आएं। खबर इसके अलावा जो आज आप जानने की कोशिश कर रही हैं ना कि एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, आज हारिस रऊफ जब बैटिंग करने के लिए आए बिग बैश में तो बगैर पैड्स के आ गए, तो वायरल कौन है? क्यों ऐसे ना खान साहब, तो वायरल कौन है इस वक्त? हारिस रऊफ हैं। कि आपको याद होगा कि मैथ्यू एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट हुए वर्ल्ड कप के एक मैच में ना खान साहब, ठीक है, वर्ल्ड कप के मैच में टाइम आउट हो गए थे अगेंस्ट बांग्लादेश, एग्जैक्टली, ठीक है, और उनके हेलमेट का कोई मसला हुआ था। तो आज बिग बैश में जबकि पाकिस्तान के हारिस रऊफ और उसामा मीर मेलबर्न स्टार्स की मेजबानी कर रहे हैं, सिडनी थंडर्स के साथ उनका मैच था, तो उसमें वो बगैर पैड्स के स्टेडियम में बैटिंग ग्राउंड में बैटिंग करने के लिए आ गए, तो वो खासे इस वक्त लोगों की नजरों में है कि आखिर हुआ क्या है कि हारिस रऊफ। लेकिन उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की आज, उनको रन्स जब तक के मैं देख रहा था तो 3 ओवर्स में मेरा ख्याल है उनको 12-13 रन्स हुए थे जो उन्होंने किए थे। चौथा ओवर मैंने देखा नहीं है, लेकिन 3 ओवर्स में उनको रन्स बहुत कम हुए थे। उसामा मीर की वही हालत थी गेंदबाजी करते हुए कि जब वो वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, एक गेंद अपने पाँव में, एक बैट्समैन के पाँव में, कोई लाइन नहीं, कोई लेंथ नहीं, बुरी तरह पिट रहे हैं वहाँ पे भी। और ये जो उनकी कारकर्दगी है, ये सवालिया निशान है कि जब आप हाईएस्ट लेवल पर खेल रहे हैं और आप लेग स्पिनर हैं, लेग स्पिनर उस वक्त तक कामयाब ही नहीं हो सकता जब तक वो एक्यूरेसी उसकी नहीं है। अगर आप एक्यूरेट नहीं हैं, अगर आप 6 बॉल अपने अच्छे एरिया में नहीं डाल सकते हैं एज राइट आर्म लेग स्पिनर, आप किसी भी जगह पर कामयाब नहीं हो सकते। वो हाफ क्रैकर, वो पीछे पीछे आधे आधे पिच पे बॉल डाल रहे हैं, उठा उठा के मिड विकेट से उन्होंने बाहर फेंका, तो उन्होंने पिटाई लगी है ठीक ठाक। तो हारिस रऊफ जो हैं सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लोग उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उसामा मीर के ऊपर वहाँ पे उनको पिटाई लग रही है। खान साहब, बाबर आजम साहब और रिजवान की जोड़ी टूट जानी चाहिए T20 क्रिकेट में, सुनने में तो आ रहा है कुछ इस तरह का। वैसे नहीं, मैं हाफिज साहब आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड के ये एक जो विजन है टीम मैनेजमेंट का कि वो समझ रहे हैं कि अगर हम चेंज करेंगे अपने जो ओपनिंग की जोड़ी है तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ मैसेज